एक बार एक राजा की दो बेटियां होती हैं, जिनमें से छोटी बेटी का नाम आना और बड़ी बेटी का नाम एल्सा होता है। एल्सा के पास बर्फ जमाने वाली शक्तियां होती हैं। एक बार इसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो राजा इसे जादुई बौनों के पास दिखाने ले जाते हैं, जहां एक बौना इन्हें बताता है कि एल्सा की ये शक्तियां जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है, इसलिए इसे अपने शक्तियों पर काबू पाना सीखना होगा। उसके बाद राजा इन दोनों को वापस अपने महल ले आते हैं और एल्सा के हाथों में दस्ताने पहनाकर इन दोनों को महल के अंदर बंद कर देते हैं। कई सालों बाद आना और एल्सा बड़ी हो जाती हैं और एल्सा अपने राज्य की नई महारानी भी बन जाती है। सब लोग यहाँ जश्न मना रहे होते हैं, तभी आना किसी बात के लिए एल्सा के हाथ से उसके दस्ताने निकाल देती है, जिससे एल्सा गुस्सा होकर वहाँ नुकीले बर्फ जमा देती है। एल्सा अपने शक्तियों को संभाल नहीं पाती है, इसलिए ये जहाँ भी जाती है वहाँ सब कुछ बर्फ में जमने लगता है। एल्सा चाहकर भी अपने शक्तियों को रोक नहीं पाती है, इसलिए ये इस राज्य को ही छोड़कर भागने लगती है। तभी इसके रास्ते में एक नदी आ जाती है तो एल्सा